आज जो है हम क्लास 8 NCERT का जो है मैथ 2.3 जो है बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो आप 2.1 2.2 को नहीं देख पाए हैं तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। आज जो है आप प्रश्नावली 2.3 करवाने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड NCERT। पहला क्वेश्चन है इसमें, आपके पास किताब मौजूद होगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, तुम पहला क्वेश्चन है 7 - 6x - 9x = 1/15। इसको क्या करना है, समीकरण को हल ज्ञात करना है। क्या करना है, समीकरण का हल ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है। क्या करना है इसमें, पूरा 9 तक ये x का मान निकालने वाला है, ठीक है। तो आज जो है हम 9 तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ये बच जाएगा तो ये अगले वीडियो में हम करवा देंगे, ठीक है। तो कहाँ तक, 9 तक जो है इस वीडियो में आज हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, हल करते हैं इसको, क्या है देखो, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, पहले 63 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस गुना कर लेते हैं, क्रॉस इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, तो पहले इतना गुना इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो करो, इतना गुना इतना करेंगे तो हो जाएगा 9x, और इतना गुना एक करेंगे तो 9x ही होगा। इतना गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 5 × 75 = 75 - 15 × 90x। 90 को इधर लाएंगे तो 9x इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा 90x = 105। यहाँ हो जाएगा 90 और 9 99x = 105। इसलिए x = 105/99। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसको आएगा 35 बार में कटेगा, 35 * 105 होता है, 33 * 99 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का हल, x का मान कितना आ गया बताओ, तो 35/33 आ गया। मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है क्या करना है, हल करना है। आगे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है z = 4 / z + 15/9। ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल करते हैं, सबसे पहले इतना गुना इतना करेंगे तो 9z हो जाएगा, इतना गुना करेंगे तो 4z + 15 = 60 होगा, ठीक है। जेड को इधर लाएंगे तो 9z इधर आएगा, तो माइनस में 4z हो जाएगा = 60। अब इसको हल करेंगे, इतना में इतना घटाएंगे तो बचेगा 5z = 60। इसलिए z = 60। आइए बताओ, भागा में है तो 5 आएगा, गुना में तो आगे भागा में 12 * 5 = 60, यानी जेड का मान कितना निकल गया, 12। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो है हम बना चुके हैं, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x² - x - 2² = 32 दिया हुआ है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले x² - अब बताओ a - b² यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, a - b² हो जाएगा a² + b² अब +2ab, यानी x * 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, = 32। इसको हल करेंगे, x² यहाँ हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -x² यहाँ माइनस, ये भी जो प्लस अंदर रूट के अंदर जो प्लस में होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, ठीक है। तो रूट के अंदर सब प्लस है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, a - b² लगेगा, तो हो जाएगा a² + b² और -2ab, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा x² यहाँ हो जाएगा -2 * 4, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 * 4x = 32, ठीक है। और ये से ये कट जाएगा, अब बताओ यहाँ बचेगा 4x = 32, ये बताओ -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x = हो जाएगा 32 और 36, तो x = हो जाएगा 36/4, ये गुना में तो आएगा इधर भागा में आएगा, आएगा ना। अब बताओ
कटेगा 9 चौक 36 में एक्स का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है देखो तुम, क्वेश्चन नंबर चार है एक्स प्लस फोर के होल स्क्वायर है और माइनस एक्स माइनस फाइव के होल स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं इसको हम। तो बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगेगा, जानते होंगे आप फार्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, उसी पर निकालेंगे। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, अभी कितना है 4 है, माइनस ही यहाँ माइनस दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 5 है, 5 दे देते हैं। ठीक है, बराबर 9 है तो 9 दे देते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 6 16 प्लस 4 2 8 एक्स माइनस, माइनस को अंदर भेजेंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस 5 5 25 हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्या कि ये दोनों माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस में है तो हो जाएगा दोनों माइनस, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस। अब 15 दुनी 10 एक्स बराबर कितना है 9 है, 9 देते हैं। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में ख़त्म हो गया। अब बचेगा बताओ 10x और 8x तो हो जाएगा 18x माइनस 25 प्लस 16 तो कितना होगा माइनस 9, माइनस 9 होगा, बराबर कितना है 9 दिया हुआ है। 18x बराबर हो जाएगा 9 और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 9, तो 18x बराबर हो जाएगा 18, 9 9 कितना 18, x बराबर हो जाएगा 18 बटा ये गुना में भागा, गुना में है आएगा भागा में कटेगा कितना आएगा 1, यानी x का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, कितना निकल गया x का मान 1, क्या हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बाई है और प्लस 3 है, बाई प्लस 3 बाई है प्लस 3 है और बाई माइनस 3 है, बाई माइनस 3 है। ठीक है, बराबर माइनस बाई और इनटू बाई प्लस, छोटी बाई है सब, बाई प्लस 5 बराबर 6 दिया हुआ है। बताओ बाई प्लस 3 बाई इंटू बाई माइनस 3 और माइनस बाई इंटू बाई प्लस 5 बराबर 6 है, इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बताओ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको हल करते हैं। देखो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर, यहाँ बताओ गुना करेंगे तो हो जाएगा बाई के स्क्वायर और ये गुना करेंगे तो माइनस 5 बाई बराबर 6 हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस माइनस में, ये प्लस में ख़त्म हो गया, 3 3 8 माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 5 बाई बराबर 6। अब बताओ माइनस 5 बाई और यहाँ कितना है बताओ 6 है, ये आएगा माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा माइनस 5 बाई बराबर 15। अब बाई का मान कितना आएगा बताओ, बाई का मान आएगा 15 बटा माइनस 5 पंतिया 15 यानी माइनस 3, यानी बाई का मान कितना निकल गया माइनस 3 निकल गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस 3 होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। थोड़ा सा यहाँ पर नहीं हटेगा, घर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः क्या है, क्वेश्चन नंबर छः दिया हुआ है, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर छः क्या है, पाँच एक्स है, पाँच एक्स बट्टा पाँच एक्स माइनस फोर बट्टा सिक्स बराबर फोर एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स प्लस दस बटा दो है। यही क्वेश्चन है, छः नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम हल करके दिखाते हैं, ठीक है। और सबको इधर ले जाते हैं, एक्स वाला पद को इधर लाते हैं और बिना एक्स वाला पद को इधर भेजते हैं, ठीक है। तो फाइव एक्स माइनस फोर बट्टा सिक्स, फाइव एक्स माइनस फोर बट्टा सिक्स, और ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में थ्री एक्स प्लस दस बट्टा दस बट्टा दो, कितना हो जाएगा बट्टा दो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बट्टा में दो, और बताओ ये बताओ इधर प्लस में है बराबर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस फोर एक्स, इधर बचेगा कितना बचेगा प्लस वन बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा प्लस वन बचेगा। अब बताओ ये दोनों का लघुत्तम लूत आएगा छः, तो यहाँ हो जाएगा पाँच एक्स माइनस फोर प्लस यहाँ भागा देंगे तीन, तीन से गुना करेंगे दोनों में, तीन दिया नौ एक्स प्लस दतिया तीस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ माइनस देते हैं, एक से भागा देंगे छः में तो छः छः चक चौबीस एक्स आएगा बराबर वन। अब क्या करेंगे, और नौ एक्स और पाँच एक्स कितना होता है चौदह एक्स, चौदह एक्स और दस में से चार घट जाए, तीस में से चार घट जाएगा तो बचेगा प्लस में छब्बीस बट्टा सिक्स बराबर वन। तो सा और हल करते हैं, तो कुछ नहीं तो यहाँ एक है, इतना गुना इतना करेंगे तो इतने आएगा, इतना गुना इतना करेंगे तो इतना आएगा। अब तो हो जाएगा चौदह एक्स हो जाएगा प्लस छब्बीस, इतना गुना करेंगे तो छः, चौदह एक्स बराबर हो जाएगा छब्बीस, ये आएगा इधर हो जाएगा माइनस छब्बीस, चौदह एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बीस, और इसको हल करते हैं हो जाएगा माइनस बीस बट्टा चौदह, क्योंकि इधर भागा में आएगा, यहाँ दस दूनी बीस और सात दूनी चौदह यानी माइनस दस बट्टा सात, इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस दस बट्टा कितना, माइनस दस बट्टा सात, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना वाला है छः वाला, नहीं बिल्कुल ये गलत है, इसका आंसर दिया हुआ है छः का आंसर दिया हुआ है दो, दो आएगा, क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं कि पर गलत तो नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो ठीक है। फाइव एक्स माइनस फोर बट्टा सिक्स बराबर फोर एक्स प्लस वन माइनस ये कितना है थ्री एक्स प्लस दस बट्टा टू, क्या करेंगे सबको इधर लाते हैं, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा थ्री एक्स प्लस दस बट्टा टू, ये आएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा बराबर वन, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम होता है सिक्स, यहाँ पाँच एक्स इतना प्लस दो से भागा देंगे तीन, तीन दिया नौ दतिया तीस, ठीक है। माइनस छः चक चौबीस, यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ क्या है, ये जो है चौदह नौ और पाँच चौदह और चौदह सॉरी यहाँ पर माइनस चौबीस को हम छोड़ दिए, क्या कर दिए माइनस चौबीस को हम छोड़ दिए, इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसको हल करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहाँ तक प्रॉब्लम है, यहाँ तक यहाँ हो जाएगा इसको हल करेंगे तो हो जाएगा चौदह चौदह एक्स और तीस में से चार घटाएंगे तो छब्बीस आएगा,
और माइनस चौबीस और बट्टा चौबीस एक्स और बट्टा छः बराबर वन। बताओ इसको हल 24 में से 14 कटाएंगे तो माइनस दस आएगा, कितना आएगा माइनस दस एक्स प्लस छब्बीस बट्टा सिक्स बराबर एक, कुछ नहीं तो एक। अब बताओ इतना गुना इतना करेंगे, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना करेंगे तो माइनस दस एक्स प्लस छब्बीस अब बराबर यहाँ हो जाएगा छः। अब बताओ माइनस कितना हो जाएगा, दस एक्स माइनस दस एक्स बराबर छः है, इधर आएगा तो माइनस छब्बीस माइनस दस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बीस और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बीस बट्टा माइनस दस, माइनस से माइनस खत्म, दस दूनी बीस, यानी एक्स का मान कितना गया है दो आ गया। थोड़ा सा ये आपका जो है भूल गए थे इसको हल करने के लिए, ठीक है तो आपका कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात में। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है देखो, तो क्वेश्चन नंबर सात जो है क्या दिया हुआ है, फोर बाई प्लस वन बटा थ्री प्लस टू बाई माइनस बाई माइनस सॉरी माइनस वन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर माइनस वन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है बटा टू माइनस थ्री बाई माइनस सेवन, माइनस सेवन बटा फाइव बराबर सैतालीस बटा दस है, सैतालीस बटा कितना है दस, ठीक है इसको क्या करना है इसको हल करना है। देखो हल करते हैं, ठीक है तो क्या आ जाएगा बता दो, कि तीनों को अगर लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आएगा लघुत्तम बताओ, दस नहीं पंद्रह आएगा, कितना आएगा पंद्रह आएगा, तो इससे भागा देंगे तीन पचे पंद्रह पाँच, यहाँ हो जाएगा पाँचों के बीस बाई प्लस पाँच, यहाँ हो जाएगा दूसरा सॉरी नहीं 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 पंद्रह भी नहीं आएगा तीस आएगा, कितना आएगा तीस आएगा, दो तीन दो पाँच का लघुत्तम निकालना है तीस आएगा, तो दत्ती है दस, तो यहाँ जाएगा दस सौ चालीस, कितना जाएगा चालीस और यहाँ जाएगा दस, कितना जाएगा दस हो जाएगा, ठीक है अब क्या करेंगे प्लस प्लस दे देते हैं, इतना भागा देंगे तो पंद्रह पंद्रह नहीं तीस बाई और माइनस यहाँ हो जाएगा पंद्रह, कितना जाएगा पंद्रह, यहाँ पर माइनस से माइनस दे देते हैं, ठीक है अब माइनस में ब्रैकेट देते हैं, भागा देंगे छः पच्चे तीस, छः आएगा छती अठारह और माइनस सचक बयालीस अठारह बाई, कितना आएगा अठारह बाई आएगा बराबर सैतालीस बट्टा दस, इसको हल करते हैं देखो तो चालीस बाई है ना, चालीस बाई प्लस दस प्लस तीस बाई माइनस पंद्रह माइनस अठारह बाई और माइनस माइनस प्लस हो जाता है बयालीस और बट्टा तीस बराबर सैतालीस बट्टा दस, थोड़ा सा हल करते हैं बताओ बाई कहाँ है, तीस बाई चालीस बाई है तीस बाई सत्तर बाई, सत्तर में से अठारह घट जाएगा, सत्तर में से अठारह घटेगा तो कितना आएगा बावन, बावन बाई आएगा, ठीक है और बताओ बयालीस और दस पच बावन, बावन में से पंद्रह घटाना है बताओ घटाओ, बावन में से पंद्रह घटाना है तो ये बारह हो जाएगा सात, यहाँ चार तो तीन सैंतीस, कितना है बयालीस दस बावन, बावन में से पंद्रह घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस में सैंतीस आएगा, ठीक है बट्टा तीस अब बराबर इसको हल करेंगे तो आएगा सैंतालीस बट्टा दस, अब दस से भाग गुना करेंगे इतना गुना इतना इतना गुना इतना करेंगे बताओ, दस से गुना करेंगे तो बावन बाई अब प्लस तीन सौ सत्तर, या कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा नहीं नहीं यहाँ पर कट जाएगा सुना सुना कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा यहाँ बचेगा एक, एक से गुना करेंगे तो बस इतना ही आएगा, ठीक है कितना आएगा सैतालीस बराबर इतना गुना तीन से गुना करेंगे सतिया इक्कीस और सच सती चरतिया बारह
तेरे चौदह, 141 आएगा, कितना 141 आएगा, ठीक है। अब बताओ बावन, बावन बाई बराबर 141, ये प्लस में जाएगा माइनस में 37, हम घटाते हैं, ठीक है। 141 में घटाते हैं 37, कितना आता है 11, 4 आएगा, यहाँ 3 और 3 ख़त्म, यहाँ आएगा 104, बावन बाई बराबर 104, कितना होगा 104, अब बाई बराबर हो जाएगा 104, अब बट्टा ये गुणा तो बावन है तो भागा में आएगा, कटेगा तो दो बार में, तो बताओ बाई का मान कितना हो गया 2, क्या हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 2 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 0.3 है और प्लस 0.7x बटा एक्स दिया हुआ है बराबर 0.95 दिया हुआ है, क्या करना है इसमें एक्स का मान निकालना है, कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब बताओ इतना गुना इतना करेंगे, इतना गुना इतना, तो इतना गुना इतना पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 0.95x, एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 0.3 प्लस 0.7x आएगा, ठीक है। अब सा एक्स को इधर ले लाते हैं तो 0.95x में से घट जाएगा, सॉरी घटेगा कितना 0.7x घटेगा, बचेगा इधर 0.3 बचेगा, ठीक है। अब जो है घटाओ 95 में 0.95 में घटा देते हैं 0.7, तो यहाँ तो 5 होगा यहाँ 2 होगा, यानी आपका बचेगा 0.25x बराबर 0.3। अब बताओ x बराबर हो जाएगा 0.3 और ये गुना तो आएगा भागा भागा में 0.25, इसको हटाएंगे तो नीचे में एक लिखेंगे, एक अंक है तो एक जीरो लिखेंगे, ठीक है। और इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर लिखाएगा एक, और दो अंक है तो दो जीरो लिखाएगा, ये से एक शून्य खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना बताओ दतिया 30 अबटा 25। इसको हम हल करते हैं तो बताओ 5 5 25 और 5 6 30 6/5, इसको हल करने के बाद 1.2 आता है आंसर, यानी एक्स का मान हो जाएगा 1.2 आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 15 × 2 माइनस एक्स बटा और है माइनस 5 है इंटू एक्स प्लस 6 है बटा 1 माइनस 3x बराबर कितना है 6 है। तो 15 × 2 माइनस एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6 बटा 1 माइनस 3x बराबर 6 है। अब क्या करना है, इसको हल करना है तो सिंपल है, क्या करते हैं इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 15 × 30 माइनस 15 × x करेंगे तो माइनस 15x, 5 × x करेंगे तो 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 6 5 30 बताओ बटा हो जाएगा 1 − 3x बराबर 6, ये माइनस है ये प्लस से ख़त्म, ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 20x आएगा और बटा 1 − 3x बराबर 6, कुछ नहीं नीचे में क्या है एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक। अब इतना गुना इतना करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो इतना गुना इतना करेंगे तो माइनस 26 ही आएगा, इतना से गुना करेंगे तो 6 और माइनस होती है 18x, इधर 20x और इसको इधर लाएंगे तो प्लस 18x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 6, इतना में घटेगा तो बचेगा माइनस 2x बराबर 6। अब बताओ x बराबर हो जाएगा 6 − 2, कटेंगे तो 3 बार में कटेगा यानी x के बराबर हो जाएगा माइनस 3, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 -3 ठीक है। 10 और 11 जो है अगले वीडियो में हम करवा देंगे, यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप प्रॉब्लम होता है तो आप देख सकते हैं दोबारा, ठीक है।